हेलो फ्रेंड, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए यह लास्ट टॉपिक चल रहा है कोरोजन का, जिसमें आप लोग कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल कंडीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, यह आपका लास्ट पॉइंट है, जिसमें आपको सिक्स पॉइंट है। सबसे पहला आपका गैल्वेनाइजेशन होता है, दूसरा मेटल स्प्रेइंग, थर्ड में आपका मेटल क्लैडिंग और फोर्थ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फाइव में टेनिंग और सिक्स में आपका सीमेंटेशन, जिसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेनिंग और सीमेंटेशन यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ा दिया गया है। बच गया तीन पॉइंट जो आज आप लोगों को यह फिनिश करने जा रहे हैं हम। अब सबसे पहले आप लोगों को पहला गैल्वेनाइजिंग क्या है, कहता है कि जब बेस मेटल के ऊपर यानी कि आयरन के ऊपर जिंक का जो हम कोटिंग कराते हैं उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहता है। तो यहाँ पर देख लो कि जिंक जो है यह इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है अर्थात यह एनोड का व्यवहार करेगा, इसका एनोड का, और यह आयरन कैथोड का व्यवहार करेगा। तो इस केस में जो भी आपका एक्सटर्नल कंडीशन होगा, मॉइस्चर और CO2 जो एटमोस्फियर में उपस्थित होंगे, वह आयरन पर लगने के बजाय कोरोजन करने से पहले यह हमारा जिंक पर कोरोजन कर देता है, जिसे हमारा जिंक ऑक्सीडाइज होकर लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन। तो यह आयरन का प्रोटेक्शन इस तरह से हम लोग कर देते हैं जब जिंक का कोटिंग कराते हैं तब। तो देखो कि क्या है इसका प्रोसेस, कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस इन विच ए मोर एक्टिव मेटल एक्स एज एनोड, कह रहा है कि मोर एक्टिव मेटल जो होगा एक्स करेगा एनोड का एंड सैक्रिफाइड टू प्रिवेंट अनदर मेटल फ्रॉम द कोरोजन। कहता है कि यह हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल पर, लेस एक्टिव मेटल पर मोर एक्टिव मेटल का जब कोटिंग करा देते हो, तब इस केस में हमारा वह एनोड का व्यवहार करेगा और दूसरे मेटल का कोरोजन से प्रिवेंट करके रोक देता है, उसका दूसरा को बचा देता है। यहाँ पर देखो, सिंस जिंक इज मोर एक्टिव एक्स एज एनोड विच कम इन कॉन्टेक्ट इसका विथ मॉइस्चर एंड CO2 प्रिवेंट इन एयर फ्रॉम द बेसिक जिंक कार्बोनेट एक्स एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स कोरोजन। कहता है कि सिंस जिंक जो है मोर एक्टिव मेटल है जो एक्स एज एनोड का विच कम इन कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर और CO2 के कॉन्टेक्ट में आता है जो एयर में प्रेजेंट करते हैं और फॉर्म बनाएंगे बेसिक जिंक कार्बोनेट। जिंक जो हो गया क्या बना रहा है, बेसिक जिंक कार्बोनेट, और जिसके रिजल्ट होता है इसका कोरोजन हो जाता है एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट अपीयर्स टू बी टर्निश्ड बट आयरन रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन। तो जिस आयरन शीट का हम लोगों ने कोटिंग करा दिया जिंक से, वह हमारा कोरोजन से बच जाती है। इस तरह आपका गैल्वेनाइजेशन कंप्लीट हुआ, देख लो। अब देखो सेकंड में आपका आता है मेटल स्प्रे, यानी कि एक बेसिक मेटल, बेस मेटल के ऊपर सेकंड मेटल का स्प्रे करा देते हो या पाउडर कोटिंग करा देते हो, तो उसको हम लोग मेटल स्प्रेइंग कहते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, तो पहला है वायर गन मेथड। तो वायर गन मेथड में क्या होता है कि वायर ऑफ कोटिंग मेटल इज मेल्टेड बाय ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम एंड ब्लास्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज रिलीज मोल्टन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे विच स्प्रेड ओवर द मेटल सरफेस टुवर्ड्स विच द गन इज डायरेक्टेड। कहता कि इस मेथड के अंतर्गत कहता वायर ऑफ कोटिंग मेटल को हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा, किसका, वायर ऑफ कोटिंग मेटल, जिस मेटल का आपका कोटिंग करना है उसके वायर को मेल्ट करना है किसके द्वारा, या ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा। इसके बाद कंप्रेस्ड एयर, ब्लास्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर रिलीज करना है यानी कि गर्म वायु के झोंका। तो इस केस में मोल्टेन मेटल जो होगा स्प्रे के रूप में निकलेगा और वह हमारा मेटल के ऊपर, मेटल की सतह पर
है। इस तरह वायर गन मेथड के अंतर्गत आप क्या करोगे, जिस मेटल का आपको स्प्रे कराना है उसको ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम के द्वारा उसके वायर मेटल को क्या करना है, मेटल के वायर को मेल्ट कर देना है। इसके बाद वायर एयर को रिलीज करेंगे, यानी कि ब्लास्ट कंप्रेस्ड एयर, यानी कि गर्म वायु का झोंका। तो उस केस में जो वायर का मेटल जो मेल्ट कर गया है वह स्प्रे होकर अनदर मेटल पर स्प्रे के रूप में बैठ जाएगी। इस तरह वायर गन मेथड कंप्लीट हो जाता है। इसको देख लो, बी का अंतर्गत आपका आता है पाउडर मेटल मेथड। इन दिस मेथड पाउडर मेटल इज सक्ड फ्रॉम द पाउडर चैम्बर एंड देन हीटेड इन द फ्लेम बाय ब्लो पाइप, है ना। कहता कि इस विधि में पाउडर मेटल को पाउडर चैम्बर में सख्त कर देना है, सटा देना है ना, एंड देन सख्त मतलब छिद्रा दीजिए उसको, और तब उसे हीट कर देना है एंड द फ्लेम बाय ए ब्लो पाइप, और ब्लो पाइप के द्वारा फ्लेम यानी कि आग की लपक को उसमें प्रवाहित कर देना है। इस कहता कि द ब्लो पाइप कन्वर्ट्स द मेटल इनटू क्लाउड ऑफ मेटल ग्लोब्स। जो ब्लो पाइप है वह मेटल को क्लाउड ऑफ मेटल मोल्टेन ग्लोब्स में कन्वर्ट्स कर देता है। इसके बाद विच गेट्स ऑब्जर्व ऑन द मेटेलिक सरफेस ऑफ बेस मेटल। जो मोल्टेन ग्लोब का जो क्लाउड बादल तैयार हुआ वह हमारा बेस मेटल की मेटेलिक सतह पर ऑब्जर्व हो जाती है। इस तरह देख सकते हो कि इस विधि के द्वारा पाउडर मेटल को हम लोग पाउडर चेम्बर में सक्ड कर दिए। इसके बाद उसे हम लोग पाउडर चेम्बर में ब्लो पाइप के द्वारा आग की लपक प्रवाहित करेंगे, जिसके कारण जो ब्लो पाइप है वह मेटल को क्लाउड ऑफ मोल्टेन ग्लोब में कन्वर्ट कर देता है, और मोल्टेन ग्लोब जो हो गया बेस मेटल की सतह पर जाकर ऑब्जर्व हो जाती है। इस तरह पाउडर मेटल मेथड कंप्लीट, और यह मेटल स्प्रिंग आपका कंप्लीट हो गया। इसको देख लो। थर्ड टॉपिक में आपका आता है मेटल क्लैडिंग। मेटल क्लैडिंग क्या है? कहता कि इन दिस प्रोसेस इट इज द प्रोसेस इन विच ए लेयर ऑफ कोटिंग मेटल इज बॉन्डेड फ्रीमली टू द बेस मेटल ऑन वन और बोथ साइड्स परमानेंटली व्हेन दे आर पास्ड थ्रू हेवी रोलर अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। कहता कि इस विधि में आपका हाई हीट और प्रेशर के अंडर के अधीन आपका जो मेटल हो गया कोटिंग करना है लेयर, एक साइड बेस मेटल के एक साइड या दोनों तरफ परमानेंटली जो हो गया लेयर ऑफ कोटिंग करना है, इसके अंतर्गत हीट एंड प्रेशर के अधीन। जैसे आप देख सकते हो एल्युमिनियम क्लैडिंग सीट्स आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट में एल्युमिनियम क्लैडिंग का यूज किया जाता है, विच इज परमानेंट प्रिपेयर्ड जिसे तैयार किया गया बाय सैंडविचिंग ड्यूरेरियम शीट बिटवीन टू लेयर ऑफ एल्युमिनियम एंड पासिंग देम थ्रू हेवी रोलर अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। एज ए रिजल्ट ऑफ द लेयर गेट्स वेल्डेड टूगेदर। कहता है कि जब एल्युमिनियम क्लैडिंग शीट का यूज हम लोग एयरक्राफ्ट में किया जाता है, जो तैयार होता है सैंडविचिंग ड्यूरेलियम शीट, एल्युमिनियम के दोनों तरफ सैंडविचिंग ड्यूरेलियम शीट का परत चढ़ाकर उसके ऊपर हेवी रोलर पास्ट कराएंगे हीट और प्रेशर के अंतर्गत, तब सभी लेयर गेट्स वेल्डेड हो जाएंगे। यानी कि एल्युमिनियम का पूरा जो होगा सैंडविचिंग ड्यूरेलियम शीट वह पूरा पिघल जाएगा और ये एल्युमिनियम का क्लैडिंग कर देता है। इस तरह हम देख सकते हैं मेटल क्लैडिंग